फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अब देखें हलील जो है और ज़ैनब जो है, उन दोनों की लव स्टोरी कितने अंदर डिस्टर्ब होगी। हलील जो अब क्या करेगा ज़ैनब का जो है ट्रस्ट दोबारा से विन करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड ज़ैनब इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा ट्रबल में है और वो हलील को बिलीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो समझ रही है हलील ने उसे बिट्रे किया। तो देखें फ्रेंड, अब ज़ैनब और हलील के दरमियान चीज़ें कैसे बैक टू नॉर्मल हो पाएंगी और क्या बनेगा इन दोनों के दरमियान, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रही है और हलील अब देखें क्या करता है, क्योंकि फ्रेंड ज़ैनब जो है एट एनी कॉस्ट जो है हलील को बिलीव नहीं कर पाएगी और समझ रही कि हलील स्टिल जो है उसके साथ गेम प्ले कर रहा है और उसे बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन फ्रेंड जो हलील है वो पूरी कोशिश करता है ज़ैनब को सब कुछ सच बताने की, लेकिन फ्रेंड जो सुंगल है वो ज़ैनब को प्रोवोक करेगी हलील के अगेंस्ट, ताकि ज़ैनब और हलील के दरमियान मैचअप ना हो सके और वो इन दोनों को और ज़्यादा हर्ट कर सके। तो देखिए फ्रेंड, अब ज़ैनब का क्या बनेगा और हलील और ज़ैनब जो है इस ट्रबल से कैसे निकल पाएंगे। उनका फ्रेंड ज़ैनब और हलील को एक दूसरे पर जो है ट्रस्ट करना चाहिए और ज़ैनब को भी हलील को चांस देगी, लेकिन अब देखिए फ्रेंड ये चांस ज़ैनब के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा और ज़ैनब अब क्या करती है और हलील के लिए कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगी, क्योंकि ज़ैनब बिल्कुल आराम से नहीं बैठने वाली। तो देखिए फ्रेंड, अब हलील जो है वो क्या करता है, क्योंकि हलील को अपनी आंट का रियल फेस देखना चाहिए जो कुछ वो कर रही है ज़ैनब और हलील के साथ उन दोनों के मैरिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका हाथ है, लेकिन अब देखिए फ्रेंड हलील जो है कैसे इसको पहचान पाएगा और क्या बनेगा उसके और ज़ैनब के दरमियान। तो देखिए फ्रेंड, अब ज़ैनब जो है वो कब तक काम डाउन होगी और जो है हलील और ज़ैनब कब दोबारा से हैप्पी होंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मुश्किल से ये दोनों दोबारा से हैप्पी हुए थे, लेकिन अब देखें फ्रेंड्स राइटर ने सब कुछ दोबारा से डिस्ट्रॉय कर दिया है इन दोनों के दरमियान। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।